देखिए, जो म्यूनसिपल कमेटी रियासी है, अभी अभी हालांकि इलेक्शन हुई तो इलेक्शन में एक कमेटी फ्रेम हुई है, और कमेटी के जो मेंबरान थे उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि गंदगी कहाँ पे है, किस जगह पे है, उसे कैसे साफ़ किया जाए, उसके लिए क्या अल्टरनेटिव निकाले जाए, तो इसके ऊपर बड़ा ज़ोर देना चाहिए था। और देखिए, ये बस स्टैंड जो हमारा है, इस बस स्टैंड के अंदर एक डंपिंग यार्ड बना के रखा हुआ है इन्होंने। इतनी गंदगी है वहाँ पर, हमारे ये लोग जो आ रहे हैं, कुछ गाड़ियाँ निकल रही हैं वहाँ पे, जो पैसेंजर्स वगैरह चल रहे हैं, जो लोग पब्लिक वहाँ पे घूम रही है, उनके लिए एक बहुत ही इतनी स्मेल वहाँ पे, इतनी गंदगी महसूस होती है कि हम स्वच्छ भारत को लेके चल रहे हैं अगर, तो ऐसी गंदगी हमें देखने को मिल रही है, तो ये तो बड़ी शेम की बात है हमारे लोगों के लिए कि किस स्वच्छता भारत को हम चला रहे हैं, और भारत से हमने गंदगी निकालने की कोशिश करने से उल्टा यहाँ पर गंदगी और डाले जा रहे हैं। मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि यहाँ पर ग्राउंड के अंदर, मैं आपको बताता हूँ कि ग्राउंड के अंदर एक स्पोर्ट्स का मतलब है कि स्पोर्ट्स जो हमारी ये डिपार्टमेंट है, इनका बनता नहीं है कि अलाउ करें ये किसी को वहाँ पर गाड़ियाँ लगे वहाँ पे, वो अड्डा नहीं है, वो स्पोर्ट्स स्टेडियम है, और स्पोर्ट्स स्टेडियम के अंदर सिर्फ स्पोर्ट्स होनी चाहिए। वहाँ पर गाड़ियों के टेस्ट ड्राइव वगैरह, और अभी मैं जाके देख रहा हूँ कि पंचायती जो ये पंचायत की जो इलेक्शन चल रही है, उस दौरान उन्होंने गाड़ियों के लिए वो जगह सेलेक्ट की। मैं इस चीज़ के बड़ा खिलाफ़ हूँ कि मुझे बड़ा अफसोस है कि वहाँ पर इन्होंने नई जगह देनी चाहिए, वहाँ पर इतनी गंदगी डाली है उन्होंने, ग्रीस के डब्बे पड़े हुए हैं, कुछ टाकियाँ पड़ी हुई हैं जो सफाई करते हैं वहाँ पर, और नीचे से सारा उखाड़ के रख दिया वो, और इतनी गंदगी है वहाँ पर। अगर स्वच्छ भारत को लेके अभी जब परमिशन हम बना रहे थे वहाँ पे एक टूर्नामेंट के लिए, तो हमें वहाँ पे यही बताया गया कि अब इतनी स्वच्छता वहाँ रखो और स्वच्छ भारत चलाओ वहाँ पर, और लोग भी आपको देखें। हम क्या देखें यार, वहाँ पे आके आप खुद देखो इस टाइम कितनी गंदगी है वहाँ पर, और पूरा रियासी के अंदर आप देखो नालियाँ सदियों से पड़ी रहती हैं, नालियाँ साफ़ नहीं हो रही हैं, उधर इतनी गंदगी है, डंप हो गया है, इतना मलबा इकट्ठा हो गया उसे साफ़ नहीं करना, बल्कि इतनी जो नाले जो टूटे हुए हैं ऊपर से, और टूटे हुए क्या ऊपर से क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, उससे मसला हल नहीं होने वाला, वो नाले साफ़ करने पड़ेंगे तब जाके ये सब कुछ हो सकता है। शुक्रिया। देखो यार, हम एक टूर्नामेंट करवा रहे थे, तो उसके बारे में भी हमने यही अभी जाके अंदर बात की, जिस हिसाब से तो उन्होंने हमें उनको बताया कि वहाँ लैटरिंग भी है, जो बस स्टैंड में ग्राउंड में कर रहे हैं ड्राइवर, और जो है ड्रिंक भी कर रहे हैं। हमने ग्राउंड कल शाम को बनाई, सुबह देखा तो बुरी हालत है वहाँ पर, और ये बोलते हैं स्वच्छ भारत, कहाँ पर स्वच्छ भारत है, हमारी नालियाँ घरों के सामने जाके नालियाँ गंदी हैं, सिर्फ बोलने से ही स्वच्छ भारत चलेगा, बोलने से नहीं चलेगा, करने से होगा। सिर्फ सब बोलते हैं, डीसी साहब बोलते हैं कि स्वच्छ भारत की टीम आ रही है आपके साथ, हैंडल करेगी, डस्टबिन लगा लो ग्राउंड में, ये लगा लो वो लगा लो, मगर कुछ नहीं है यार, कहाँ देखना है। आप मेरे साथ चलो अभी, जगह मैं आपको जगह जगह दिखाता हूँ गंद कितना है। तो कहाँ से आ रहा है स्वच्छ भारत, चेयरमैन चुना गया है, अभी तक चेयरमैन की कोई मीटिंग तो हुई नहीं है, अनाउंस तो कोई हुआ नहीं है, चेयरमैन कौन है पहले वहाँ पे, वो आपस में लड़ाई करेंगे चेयरमैन बनना किसने है, वो तो अनाउंस करें पहले, उसके लिए मीटिंग भी है ना एक, वो भी नहीं हुई, तो चेयरमैन का मुझे पता नहीं, बट ये है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि जहाँ जहाँ हम देख रहे हैं गंद इतना है, ग्राउंड में इतना गंद है, वहाँ ग्राउंड में देखो यार, सेंटर प्लेस है रियासी का ग्राउंड, और स्पोर्ट्स वालों को भी शर्म आनी चाहिए, जिन्होंने गाड़ियों की परमिशन दी है, जिन अफसरों ने इनकी परमिशन दी है गाड़ियों की वहाँ लगाने के लिए, वहाँ खेलने के लिए ग्राउंड है, पार्किंग के लिए नहीं है, बीजूपर में दें, ग्राउंड में दें, ठीक है।